अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। ये जो 6 लोग आप बैठे दिख रहे हैं, ये लोग फ्रॉड है। मदरसे के चंदे के टाउन पर डुप्लीकेट पावतियां इन्होंने छपाई है और अमरावती शहर के अंदर 8 दिन से तकरीबन 1.5 लाख के करीबन इन्होंने चंदा वसूला है। ये वीडियो इन लोगों के लिए जो बगैर तहकीक के इनको मदरसे के नाम पर टाउन कर देते, अपना सबका जकात का माल जो है तो बगैर तहकीक के दे देते। ये जो माल है ये गलत है, ये फ्रॉड लोग है और ये इनके पास में रिकॉर्ड तकरीबन 2017 से के रिकॉर्ड इनके पास में है। अल्लाह जाने ये कब से कर रहे हैं। ये अपने आप को कश्मीरी बताते हैं, असल में ये कश्मीर के रहने वाले लोग नहीं है, ये पहाड़ी लोग है। और ये जो है तो इनका बहुत बड़ा ग्रुप है, इसमें जो बीच में बैठा है नीले जैकेट के अंदर वो इनका मेन है और ये सारी सर्कस चलाता है। तो मैं गुजारिश करता हूँ तमाम मुल्कों के मुसलमानों से कि ये जहां पर भी आए, जहां पर भी दिखे तो इनको जो है तो बायकॉट करो, इनकी तहकीक किया जाए सही तरीके से। अभी अमरावती के अंदर 10 दिन से है, अमरावती शहर के अंदर, और इन्होंने बहुत सारा लोगों को ठगा है चंदे के नाम पर। इनके सारे हमने तहकीक किए तो भूग वगैरह वहां कश्मीर से एक साथी को बुलाकर इनकी तहकीक की गई, कश्मीर फोन किया गया तो ये फ्रॉड निकले। कोई ऐसे नाम का कोई मदरसा नहीं है, कोई मदरसे के अंदर बच्चियां नहीं है जो ये बता रहे थे। तो आज हमने इनको पकड़ा है और इनकी वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि लोग जो अपना मेहनत का सदका ज़कात जो है तो माल जो निकालते तो सही जगह उनका नहीं जाता है। तो आइंदा के लिए इनको देने से पहले तहकीक करें और 10 बार सोचे। अगर ये इनको मदरसे का चंदा भी अगर जमा करना है जिस शहर में जाते हैं, अगर ये बरेलवी से ताल्लुक रखते हैं तो हमारे अमरावती में मिस्किन शाह से परमिशन ली जाए, और देवबंद से ताल्लुक रखते हैं तो अमरावती मरकज साबुनपुरा से तहकीक की जाए। वैसे इनको चंदा दो मत, क्योंकि ये इतना बड़ा अमाउंट 8 दिन में इन्होंने 1.5 लाख रुपए कैश है और इनका ट्रांजेक्शन पर डे, इनके पास 2-3 मोबाइल है, किसी का 10,000, किसी का 15,000, किसी का 5,000, ऐसे कितने पैसे इन्होंने ट्रांसफर कर चुके हैं। जो लगा है माल वो सिर्फ इतना दिख रहा है, ट्रांजेक्शन इनके मोबाइल में बहुत सारा है, बैंक अकाउंट के बड़े बड़े इनके पास अकाउंट खुले हुए हैं, इनके अकाउंटों में बहुत सारे पैसे। मैं गुजारिश करता हूँ कि आइंदा के लिए अगर कोई आपके पास चंदे के लिए आए तो उसकी पूरी पूरी तहकीक हो। अस्सलाम वालेकुम।